अभी मैं नहा चुकी हूँ, बच्चे नहला दिए, अब दीदी बेचारी ब्रेकफास्ट कर रही है तो थोड़ी सी आके हेल्प कर देते हैं। गुड मॉर्निंग भैया, दीदी का किचन में काम चल रहा है। कितने बजे आए थे आप? 2:30 बजे पहुँच गया था। मैं 2:05 मुझे इसे गोली दे दी, मैं वहाँ पहुँचा और ये इधर आ गया घर। आज कितना कटाया वाला। ये देखो हमारी प्रिंसेस कैसे खाना लेके आई है। हाँ जी डाल दो प्लीज। थैंक यू सो मच। डल रहेगा अल डल गया। थैंक यू। तो काम करने दो, आओ चलो पापा पास आओ। आओ 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 चलो आओ। देखो आओ इधर से। आओ आओ आओ। अरे भैया अरे भैया आओ आओ अरे अरे चलो तुम टिफिन पैक कर लो, फिर को अपना दरोगा कर लो। तुम अब आ जाओ, चलो अब आ जाओ। ये ले ये ले। आया 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 आया। तू भी नहीं आ रहा, मैं तो भी नहीं। हम लोग हो चुके रेडी, वेलकम बैक टू द व्लॉग। अभी यहाँ से निकल रहे सीधा लोनावला की ओर। तंग ना करो उसको भैया। तो हम लोग रात को रुके थे इस रूम में, बट यहाँ गलत चीज दिखाता हूँ। दरवाजा खुलता है सीधा, खुल जा। क्यों नहीं खुल रहा? अच्छा ये दरवाजा खुलता है सीधा यहाँ बालकनी में। ओ भाई साहब ये बालकनी गजब है, बाहर लॉन भी है। ऐसे लगेगा कि प्राइवेट बंगलो आपका, लेकिन ये आपको अपार्टमेंट में इतनी जगह आगे मिली हुई है। यहाँ पे अलग से वॉशिंग का एरिया है। कितनी बड़ी अपार्टमेंट, कितना बड़ा, मतलब और दिल्ली के मुकाबले डबल स्पेस है और रेंट हाफ। गजब। ये हमारा किड्स रूम है जहाँ बच्चे खेलते रहते हैं। चलो बेटा किड्स रूम हो गया खत्म। दिस इज द किचन। गजब। क्या मिला भैया? अभी नहीं पीयू को भी न्यू गिफ्ट, ऋषि को भी न्यू गिफ्ट। पीयू का बिना पूछे खोल दिया उसको। कैरियर नहीं, पीयू ने कहा देखो नहीं। आपको याद है वाला गिफ्ट? मैं आपके लिए आया था छोटे से। बड़ा तुमसे बिल्कुल रुका नहीं आता ना। पीयू दीदी ने आपका खोल दिया। प्यार है। ये दोनों बैग हमारे हैं और ये छोटे बैग लेके जा रहे हैं दोनों। तो हमारी कैब हो चुकी है, इन दोनों की कैब नहीं हो रही क्योंकि दोनों ब्लैकलिस्ट हो चुके हैं ऊबर से। हमारी ऊबर रेटिंग 1 है शायद। अभी आ चुके मॉल में, लोनावला जाना था हमें। वहाँ प्लान कैसे करते क्योंकि भूख बहुत लगी थी। महाराजा भोग में खाने आए गुजराती थाली। ये तो बढ़िया हिसाब किताब है। तो भी मिलेगा क्या? छोटे बच्चों के लिए भी मिलेगा। चलो भैया सैलेड, बहुत एक्साइटेड आ रहे हैं गुजराती थाली खाने के लिए। भैया थैंक यू। खाने के बाद बढ़िया पान। फूड का कितने नंबर दोगे 10 में से? जॉर्ज कितने नंबर देगा भाई खाने को 10 में से? 8 दूंगा। 8 देगा? 8.5 नंबर। गुड फूड यार, गुड फूड। फाइनली हमारी पिकनिक अब स्टार्ट हो रही है। मैं सुबह 8 बजे निकला था, दोपहर को 2 बजे निकल रहे हैं। फाइनली हैप्पी किस लिए भी निकल रहे हैं। जयकारा लगवा दो, जयकारा फटिया वाली माँ दो सांचे दरबार की। को भयंकर नींद आ रही। जब हम लोग इस समय कॉलेज होते हैं हम सोचते हैं यार कमांडर 1 घंटा सोते हैं फिर चलेंगे। हम लोग सेम बोलने वाली थी कॉलेज, मतलब चाय पीते सोते फिर चलेंगे। हम लोग की होती थी वाली क्लास। कौन सी भाई? कंक्रीट वाली लैब जिसमें कंक्रीट बनाते थे। तो मेरा था जिसमें शिद्दत से तैयार होते थे, नाश्ता करते थे और वापस आके सो जाते थे। अरे भैया नहीं नहीं नहीं, नाश्ता करते थे वहाँ फिर एक दूसरे की आंखों में आंखें देखी कि पिछली 4 क्लास तो गई नहीं, तो इस बार भी आ जाके क्या खा लेंगे। तो काम करते नाश्ता कर लेते, बिकॉज ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे। और ये था जनरल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स और इसको जिम्मा था कि भैया आजाद हॉल का गोल्ड आता है वेट लिफ्टिंग में तो गोल्ड ही आना चाहिए। तो ये वैसे ही कहता था कमांडर तो अंडे खा। तो खा लिया पी लिया, अभी नींद बहुत आ रही सो लेते हैं, उठ के पढ़ाई करेंगे। ये जाके अपना मूवी देखता था, मैं जाके अपना कुछ और कुछ वर्कआउट करता था। सोते भी नहीं थे यार जिस दिन लेग डे करते थे। अब मेरी हालत रहा इसको, फिर हम लोग उसी बहाने बहुत सारी क्लास बंक मार देते थे। भैया लेग डे में नहीं चलता यार, नहीं टांगे काम करती भैया। दशि डांस सिखा रही है श्लोक को। अरे कितनी अच्छी रिवर है और ऊपर उस पहाड़ी पे मंदिर भी है। एक देखो छोटा सा मंदिर है, ये देखो कितनी अच्छी रिवर है यहाँ पे। तो बहुत पहाड़ियाँ इस एरिया में और जॉर्ज कह रहा है कि इस पहाड़ियों में शिवाजी महाराज के किले थे। किले तो अभी भी है काफी सारे इस एरिया में ना। पूछ रही थी कि जॉर्ज बताओ गौरव कॉलेज में कैसे थे, खड़ूस फड़ूस तो नहीं थे? तो जॉर्ज कह रहा है कि भाई बहुत ही पीसफुल था, कभी लोड ही नहीं लिया। लोड मेरे को बताया तूने कब लिया था? कब लिया था? जब तूने ये डिसाइड कर लिया था कि अब तुझे पायलट बनना है। तब लोड भाई एकदम मैंने लोड लिया, ये पूरा एग्जाम तैयार। बोला अब मैं जा रहा हूँ। बोला अभी कहाँ जा रहा है भाई, लास्ट सेवल तो अब रुक जा कर लेते हैं एग्जाम खत्म। नहीं यार बस अब मैंने डिसाइड कर लिया, मैं जा रहा हूँ, मैं पायलट बनूंगा। इसका पता है रजिस्ट्रेशन में मैंने करवाया, आया भी नहीं दिन तक के क्लास में। पता है अलग अलग आवाज निकाल के मैं अटेंडेंस देता रहा इसकी। पानी मिलेगा यहाँ पे? पानी ठंडा है सादा। मतलब कह रहा था कि मैं बिल्कुल लोड लेता था।
और आए हम लोग सीधा गए पेपर देने, थोड़ा बहुत जो भी 10-15 मिनट का पढ़ा। अब भाई बैठा हुआ अब क्या है, कितना ही कुछ पता नहीं, कुछ लिख नहीं रहे सर, घूमते हुए पीछे कुछ कुछ पूछे थे, पता नहीं क्या पूछ रहे थे। आप लोगों को एग्जाम के लिए पढ़ना ठीक है, अदरवाइज लुक एट दैट गाय, ही इज लाइक हिम। यहाँ पे फोर्स हो जाएंगे ना, अभी वहाँ पे जाएगा ना तो ये लगता है कि यार अभी चढ़ने में हमारी हालत खराब हो गई। उस जमाने में लोग हथियार वजन क्या क्या लेके ऊपर चढ़ जाते थे। सारी घास अभी एकदम ब्राउन हो चुकी है, जॉर्ज कह रहा पूरे बारिश में सब हरा होता है, पूरा लश ग्रीन होता है। तो क्या गाड़ी भी हमने अच्छे से ड्रॉप कर दिया, और ये है हमारा कैंपिंग आज रात का। यहाँ पे लगा हुआ है फुटबॉल, जो कि वर्ल्ड कप फाइनल खेलेंगे यहाँ पे कल, और यहाँ पे क्रिकेट भी लगा हुआ है। यहाँ पे इतनी भयंकर गर्मी है, और ये 15 किलो का बैग, इसमें बच्चों के ऊन के कपड़े हैं, स्वेटर हैं, जैकेटें हैं, बताओ जूते बाहर उतार दो। ये है हमारा टेंट, यहाँ करेंगे आज कैंपिंग रात को। छोटा सा ही है, यहाँ मतलब खड़े भी नहीं सकते। देते हैं गाइस, देखिए दैट्स इट। तो ये हमारा एडिटिंग टेबल हो गया, वो हमारा पंखा हो गया, ये हमारा बेड हो गया, और ये हमारी पार्टी हो रही है। एक बंदे को नीचे सोना पड़ेगा, लेकिन साफ सुथरा नहीं है। जूते पहन के अगर आप वहाँ से खाना लेके आकर रेस्टोरेंट से, खाना को गर्म रखना है, खाना रखिए बेड पे, और ये देखिए बल जला दीजिए खाने के पास, खाना गर्म रहेगा। बैग रख दो अंदर, हाँ रख दो। अब ऐसा नहीं लग रहा कि वो महाभारत में युद्ध करके जब आते थे तो शिविर में अपने कक्ष लगाते थे ऐसे ही। राताश्री हमारे कक्ष में आज रात का भोजन करेगी। श्लोक का स्टाइल अक्षय कुमार जैसा, एक पैंट हमेशा पजामा ऊपर। मजे आ रहे पीहू 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 पीहू, मजे कर रही है, ज्यादा नहीं हम पिलट जाएंगे। पलट रहे हैं, रुक जाओ रुक जाओ भैया रुक जाओ, बच्चा है हमारे पास, पीहू का बेटी, आपको पीठ से पलट रहा है वो। आप होगा शाम को बॉन फायर, ये देखो इसको तो मिट्टी में खेलने में मजे आ रहे हैं, पूरे मिट्टी मिट्टी कर दिया इसने, चलो खेल लो आज, सफाई कर रही है। वाह, हमारा हाइट एरिया, और यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, चिल मार सकते हैं, ये वाला एरिया। अबे दरवाजा वैसा नहीं, धमाल मूवी वाला। चाउमीन और सैंडविच, बिस्किट अभी आप चाय के साथ बिस्किट मिल जाएगा, कड़क चाय विदाउट शुगर, सुंदर अति सुंदर। मैं अपना घर बनाया रशीद, मेरे घर को बड़ा बनाएगी अब, और बनाओ गिराना नहीं है। चाय पार्टी हो चुकी है फाइनली, दरवाजे से निकलते हुए आई 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 हरी जनता अब आ रही है कैंप में, हम पहले आ गए थे, शाम हो गया ना, हम लोग काफी जल्दी आ गए। कैंप सामने है, हम लोग दूसरे कैंप पे आए, तो एडवांटेज क्या है यहाँ पे लेक है इनके कैंप के सामने, और इतने सारे लोग हैं, लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। खेलेगा क्रिकेट, खेलेगा यहाँ पे तीर कमान है यहाँ पे। क्या बात है, मैं कोई बोल नहीं पाएगा, क्या तीर मार के आए वहाँ पे, तेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, किसी बता सकते थे कि मैंने ये तीर क्या बोला। फिर अच्छी को फिश देखनी है, हम लोग अभी रास्ता बना बना के सब लोग फिश देखने आ रहे हैं, चलो भैया फिश दिखाओ, कहा आ जाओ फिश, रशि को मिलना है आपसे। तो ये है पवना लेक, और इसके अराउंड आप सकते हैं वहाँ से ये सारे कैंप लगे हुए, ये कैंप लगा हुआ, ये कैंप लगा हुआ, हमारा उस साइड लगा हुआ है, पता नहीं क्यों चुका हमारा गंदा वाला, बारिश शुरू हो गई, देखो भागो भैया। फिर बच चुके हैं शाम के 8, हम लोग जॉर्ज के टेंट में बैठ के खूब बातें मारी, इसने पूरी पूछ लिया कि रैगिंग हमने कैसे ली, कैसे दी, इन्होंने हमेशा ये बताई इन्होंने कैसे दी रैगिंग, आज मैंने देखा अच्छा इन्होंने कैसे ली। इलीगल है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, रैगिंग इलीगल है, पति को अंदर करवाएगी। सालों साल पहले ली थी, तब शायद सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आया नहीं था उसके पहले, तो लीगल था। उसको दिया था ओपी का नाम, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जैसे आर्मी में जाओ, आर्मी में लाइफ टफ करते ताकि जीवन में आसान जी सको आप, बट हमारी ओपी उस टाइप की नहीं होती थी जैसे मूवीज में देखते होंगे आपने, वर्ल्ड मूवी आती थी, हम लोग भगाते थे चलो सुबह उठो, फिर हम लोग स्पोर्ट्स में छांटते थे कौन सा किस स्पोर्ट में अच्छा है, तो 15 टीम बना रही तो जिम जा रहा, तो हम लोग का वो टाइप की ओरिएंटेशन ज्यादा थी कि भैया हॉल का कल्चर बहुत स्ट्रांग होता है आईआईटीज में, हॉस्टल का कल्चर, तो हम लोग का भैया की स्पोर्ट्स की चैंपियनशिप, कल्चरल चैंपियनशिप जीतनी हमें, तो डे वन से ही लोगों को रगड़ना शुरू कर दो। का डिनर आ चुका, हमने वेले होके बना दिया डोमिनोज, रशी गिराओ उसको, गिराओ गिराओ यहाँ से गिराओ। अबे यार क्या घंटा बनाया जॉर्ज, तो ट्रबल शूटिंग कर लिया है, कोनों पे डिस्टेंस कम कर दिया जो कि दिक्कत थी, चलो रशी गिराओ ट्राई करो। अबे अपना गिरा, अपना गिरा था, क्या बात है, गिराओ 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 रशी, चलो चलो चलो। तो यहाँ आज आया है लाइव बैंड, हम लोग खाना वहीं पे खाएंगे, लाइव खाना खाएंगे आज, बढ़िया समा बना हुआ है, तो नीचे बैठने का यहाँ पे प्लान है मस्त, यहाँ पे आज जंगीरा बजाएंगे। मम्मा 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 ओलो, बोल के आते हैं
तो हम लोग अभी जा रहे हैं कैंसिलेशन कराने। जॉर्ज ने एक दिन का कराया था, मैं जोश मांगा, मैं सालों तेरे सालों बाद मिल रहे हैं तू कमीना, सिर्फ एक दिन के लिए मिलेंगे, दो दिन का बुकिंग करा। लेकिन यहाँ का एक्सपीरियंस लेके हम समझ गए कि एक दिन में सब हो जाएगा। बेटा कैंसिलेशन कराने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा मजा आएगा। चल शिव तू भी चल, तुम कहाँ चलोगे थोड़ा, तुम पहले कैंसिलेशन पॉलिसी देख ताकि हमारे सीना काट सके कि भैया अब तो नहीं मिलेगा। क्या कह रहा है? हमारा कोई काट नहीं देता भाई, हम खुद ही कटवा लेते हैं। क्या बात है? हम सारी बातें कर रहे थे। जॉर्ज था जनरल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स आजाद हॉल का, तो हमको वेट लिफ्टिंग का गोल्ड चाहिए था। हमने कहा पटेल का ब्रॉन्ज लगना नहीं चाहिए, क्योंकि पटेल का ब्रॉन्ज लग जाए तो इसको उतार देते हैं, कितना भी उठा मर जाए लेकिन उसका नहीं लगना चाहिए। तो ये हॉकी जाता था, हॉकी की लंबी वाली शॉर्ट्स पहन के यहाँ, और बमचम के कच्चे आ जाते 60 रुपए के डीले। दो तीन बार उनको धो लो ना, कमर से तो उतरे ही होते थे, लेकिन नीचे से ऐसे ऐसे फूल बन जाते थे वो। ये आया इसे उठा बचा लिया भाई इसने हमारा ब्रॉन्ज, उठा लिया था। बस इतना एंजॉय करना था कि हमारा पटेल का ब्रॉन्ज बनाया खाली, आई टुक वन फॉर द टीम। साइड से हमने अपना शिविर ढक लिया, शिविर को करते यहाँ से बंद, और गुड नाइट, मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में।